योगा फॉर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को टोन करने के लिए योगा के कुछ एक्सरसाइजेस, ट्विस्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं ये। वैसे बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो नर्वस सिस्टम को टोन करने के लिए, उसको हेल्दी करने के लिए, नर्वस सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है। उसमें से हमने कुछ सेलेक्टिव ट्विस्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस लिए हैं जो कि सिटिंग और लाई डाउन पोस्चर में हम करेंगे। तो पहला पोस्चर हम करेंगे वक्रासन। इसमें अब्डोमिनल कंटेंट के साथ साथ पूरे स्पाइन को ट्विस्ट करना है, तो अब्डोमिनल कंटेंट का भी एक नेचुरल मसाज होगा और उसके साथ साथ स्पाइन का ट्विस्टिंग होने की वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होगा, अलर्ट होगा, कॉन्शियसनेस इंप्रूव होगा और स्पाइन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर जल्दी नहीं होगा। तो उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। बेंड योर लेग एंड क्रॉस इट इन अनदर साइड। गुड। सेम हैंड इन बैक बट डोंट लॉक योर एल्बो। एल्बो को लॉक नहीं करना है, हाथ को पीछे करिए थोड़ा सा और एल्बो को लॉक नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है लेकिन लॉक नहीं करना है। अब दूसरे हाथ को इस तरह से ऐसे क्रॉस करेंगे और यहाँ इस तरह से स्ट्रेच करके नी को पकड़ेंगे या फिर एंकल को। एंकल को भी यदि आप पकड़ सकते हैं तो एंकल को कैच करेंगे, नहीं तो नी से, और ऐसे पूरा ट्विस्ट करेंगे। शोल्डर शोल्डर पाम और ये फुट एक लाइन में आना चाहिए। ट्विस्ट करिए। इस पोस्चर को 15 टू 20 सेकेंड्स तक होल्ड करके रोकना है आपको। फिर इसके बाद सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, फिर वही रिपीट करेंगे दूसरे साइड में। दूसरे लेग को क्रॉस करेंगे, फुट को पैरेलल रखेंगे, इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। अब राइट हैंड को क्रॉस करेंगे, नी को पकड़ेंगे, हाँ पकड़ी नी को ना, अगेन बोथ शोल्डर पाम एक लाइन में होना चाहिए। ट्विस्ट, पूरा ट्विस्ट करके, और जब भी इस पोस्चर में जा रहे हैं तो एक्सेल होल्ड करके रुकना है। यदि आप ब्रीदिंग को होल्ड नहीं कर सकते तो नॉर्मल ब्रीदिंग आप रख सकते हैं। एक्सेल करते हुए जाइए, ट्विस्ट करिए और नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे सेंटर में। अभी इसके बाद लाई डाउन पोस्चर्स। लेट कर कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे। इसमें आर्म्स को टी शेप में रखेंगे स्ट्रेट, पाम को फ्लोर पर रखेंगे, शोल्डर इसमें उठना नहीं चाहिए, और कोशिश करेंगे जो लोअर रिब्स हैं वो भी ज़्यादा ऊपर ना आए, उसको प्रेस करने की कोशिश करते रहनी है। अपने इच्छा से यदि आप उसको प्रेस करते रहेंगे तो एक नेचुरल पोजिशन में रहेगा ना। अब इसमें क्या करना है, सांस भरते हुए दोनों पैर को बेंड करना है इस तरह से, और हील को जितना पास में रख सके बट से उतना पास में रखने की कोशिश करनी है। हील को बट से लगाकर रखने का कोशिश करना है। अब इसमें सांस भर लिए हैं, अब सांस छोड़ते हुए इसको ट्विस्ट करना है। सिर को सेंटर में ही रखिए सीलिंग की तरफ और ऐसे ट्विस्ट करिए। फीट ऑन ईच अदर, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर होंगे, नी एक दूसरे से लगा रहेगा और रिब्स को प्रेस करने की कोशिश करेंगे। शोल्डर को प्रेस करिए, शोल्डर ऊपर नहीं आना चाहिए इस तरह से। 15 टू 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद फिर से सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड में, फीट को एक दूसरे के ऊपर। ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग और मूवमेंट दोनों का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है। एक्सहेल प्रेस करना है। अब इसमें रिब्स को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करनी है। प्रेस करिए, शोल्डर फ्लोर पर रहना चाहिए, पाम स्ट्रेट होना चाहिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए सेंटर में। अब दूसरा एक्सरसाइज है, पैरों को खोल लेंगे ऐसे और इस तरह से आप ट्विस्ट करेंगे। नेक अभी भी सेंटर में ही रहेगा, फेस अपवर्ड सीलिंग की तरफ, और फुट को उठाकर नी के ऊपर रख लेंगे और ऐसे प्रेस करेंगे। दोनों नी को फ्लोर से टच करने की कोशिश करेंगे, रिब्स को प्रेस किए रखेंगे, शोल्डर को न्यूट्रल रखेंगे, फ्लोर पर रखेंगे। बॉडी को पूरा टाइट नहीं करना है, बॉडी को लूज छोड़िए तब अच्छे से ट्विस्टिंग कर पाएंगे। विथ इनहेलेशन इन सेंटर, किसी भी मसल्स को टाइट करके लॉक मत करिए, नी को प्रेस करिए। नी ऑन द फ्लोर, रिब्स प्रेस करिए। ब्रीथ इनहेलेशन इन सेंटर। अब तीसरा एक्सरसाइज है, दोनों पैर को ऐसे
फोल्ड कर लेंगे चेस्ट के ऊपर, नी को लगाकर रखेंगे, नी और फीट एक दूसरे से लगा रहेगा। अब इसमें सांस भरना है और भरने के बाद नेक को राइट साइड में टर्न कर लेना है। इनहेल टर्न योर नेक राइट विद एक्सहेलेशन ट्विस्ट। अब इसमें दोनों नी को एल्बो से टच करने की कोशिश करेंगे और फीट ऊपर की तरफ आ जाएगा, हील को बट से लगाने की कोशिश करेंगे, इस तरह से इसको ट्विस्ट करेंगे। टर्न योर नेक, शोल्डर ऑन द फ्लोर, शोल्डर को प्रेस करके रखेंगे। विद इनहेलेशन इन सेंटर, नी को साथ में ही रखना है। टर्न योर नेक लेफ्ट ट्विस्ट, शोल्डर रिमेन ऑन द फ्लोर, मेंटेन करिए। हील टू द बट शोल्डर, वेरी गुड। विथ इनहेलेशन इन सेंटर, अप लेग्स स्ट्रेट, राइट लेग अप, टर्न योर नेक राइट। इसमें लोअर बैक के लिए, बैक पेन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम के लिए भी। रिब्स को प्रेस करके रखेंगे, इसको यहां पर होल्ड करेंगे 15 टू 20 सेकेंड्स। एक्सहेल एंड होल्ड विद इनहेलेशन, इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए और एक्सहेल करते हुए नीचे। लेफ्ट लेग अप विद इनहेलेशन, टर्न योर नेक विद एक्सहेलेशन राइट, एक्सहेल करते हुए अभी राइट। अब दोनों नी को 90 डिग्री पर क्रॉस करना है, इस तरह से फुट को फ्लोर पर लाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेच करिए, नी को सीधा रखना है, नी बेंड नहीं होना चाहिए और शोल्डर आर्म्स पूरा फ्लोर से लगा रहेगा। विद इनहेलेशन इन सेंटर डाउन। नाउ राइट फुट को नी के ऊपर बेंड करके रखेंगे ऐसे। टर्न योर नेक राइट, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। अब इसमें पाम को नी के ऊपर रखकर ऐसे प्रेस करेंगे, रिब्स को प्रेस करके रखिए, शोल्डर को फ्लोर पर ही रखिए, शोल्डर ऊपर नहीं आना चाहिए। नर्वस सिस्टम की एक्सरसाइज करने के इमीडिएट बाद आप फ्रेश फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। विद इनहेलेशन इन सेंटर, इससे अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। नाउ विद इनहेलेशन बेंड, टर्न योर नेक, विद एक्सहेलेशन ट्विस्ट, पाम ऑन द नी प्रेस, नी स्ट्रेट, शोल्डर रिमेन ऑन द फ्लोर, डोंट रेज योर शोल्डर। विथ इनहेलेशन इन सेंटर, लेग्स स्ट्रेट। नाउ एक एक्सरसाइज टमी के ऊपर करेंगे, टर्न ऑन टमी, आर्म्स इन टी शेप, दोनों पैरों को बेंड करना है। एक्सरसाइज लोअर बैक पेन के लिए भी काफी अच्छी है। हील को बट से लगाने की कोशिश करेंगे, चिन को फ्लोर पर रखेंगे स्ट्रेट। नाउ इनहेल विथ एक्सहेलेशन ट्विस्ट, शोल्डर एंड रिब्स ऑन द फ्लोर, ट्विस्ट मेंटेन, शोल्डर को फ्लोर पर ही लगाकर रखेंगे, शोल्डर ऊपर नहीं आना चाहिए। हील को प्रेस करिए बट की तरफ। विथ इनहेलेशन इन सेंटर ट्विस्ट राइट, शोल्डर ऑन द फ्लोर, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम को टोन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए 6-7 एक्सरसाइजेस का सेट हमने बताया, जिसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सुबह सोकर जगने के तुरंत बाद भी ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यदि आप सोकर जगने के तुरंत बाद करते हैं तो आप इमीडिएट अपने को अलर्ट महसूस करेंगे, फ्रेश फील करेंगे और पूरे दिन आपको एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में बना रहेगा। थैंक यू।